राजस्थान में लॉकडाउन 4 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। एसीएस होम राजीव स्वरूप ने गाइडलाइन की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 3 सिद्धांतों पर यह गाइडलाइन आधारित है। रोजगार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, तो वहीं नाइकी दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर आदि खुलेंगे। इसके साथ ही पान, गुटखे की दुकान आदि पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। वहीं निजी व सरकारी कार्यालयों में 50% स्टाफ के साथ कार्यालय खुल सकेंगे। कोरोना को लेकर लोग पूरी तरह जागरूक हो चुके हैं, ये बात कही है एसीएस राजीव स्वरूप ने। लोगों को मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलना होगा। कंटेनमेंट जोन में पुरानी स्थिति बरकरार रहेगी, तो वहीं शादी समारोह आयोजित करने से पहले एसडीएम से इजाजत लेनी होगी। शादी समारोह में 50 लोगों की बाध्यता होगी, सिर्फ 50 लोगों की अनुमति मिल सकेगी। तो साथ ही ग्रीन जोन में सभी प्रकार की गाड़ियां चलने की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन जारी करी, उसके तहत उन्होंने कुछ एक्टिविटीज जो थी सभी जगह प्रतिबंधित की, कुछ मना करी, और बाकी सारी गाइडलाइंस के लिए राज्य सरकार को अधिकृत किया कि वो राज्य में संक्रमण को देखते हुए कंटेनमेंट जोन्स बनाएं और शेष एरियाज को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में करें, और अपने स्तर पे डिसाइड करें कि क्या गतिविधियां अनुमत हों और क्या नहीं। जैसे ही ये गाइडलाइंस आई, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे एक बैठक हुई जिसपे गहनता से क्या स्ट्रैटेजी हो इस पर विचार किया गया। आज पुनः प्रातः उनके स्तर पे बैठक हुई और राज्य सरकार की स्ट्रैटेजी अंतिम की गई, जिसके आधार पे गाइडलाइंस तैयार कर अब जारी की जा रही है। राज्य सरकार ने जो अभी गाइडलाइन जारी की हैं, ये 3 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है कि कोरोना के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम किस प्रकार से किए जाए और इसके लिए क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए जाए। दूसरा है आजीविका सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार से आर्थिक गतिविधियां पुनः आरंभ की जाए। और तीसरा है कि अब लॉकडाउन के 8 हफ्ते हो गए हैं और सारे लोग भली भांति कोरोना के खतरे से वाकिफ हो चुके हैं, उनको पता है इसके लिए क्या एहतियात लेने चाहिए, क्या सार्वजनिक स्थानों पर और कार्यस्थलों पर किस प्रकार से पूर्ण सतर्कता और सावधानी रखनी चाहिए। अब जो गैर जिम्मेदार हैं वो अपने और अपने परिवार को तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, परंतु वो और लोगों